भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। साकोली के बाद फिर भंडारा जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मृत्यु। आए दिन सीजर में बढ़ती जा रही है लापरवाही। आखिर क्यों हो रही है सीजर के बाद महिलाओं की मृत्यु? क्या डॉक्टर की लापरवाही से तो नहीं जा रही महिलाओं की जान? परिजनों ने लगाया आरोप, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई मांग। आखिर क्या होता है ऑपरेशन के बाद जिससे होती है महिलाओं की मृत्यु? परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। स्वस्थ महिला लेकर गए थे और मिला मृत शरीर। अब सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन करवाने से नागरिकों में डर। भंडारा जिले में फिर एक बार दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फिर एक महिला की सीजर के बाद जान गई है। परिजनों ने डॉक्टर और उपस्थित कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि उनके लापरवाही की वजह से महिला की जान गई है। जो मृत्यु है उसका मैं भाई हूँ। मेरी बहन को एडमिट किया गया, सीजर हुआ, लड़की हुई है, उसको ICU में भर्ती किया गया है। ऊपर से जो मेरी सिस्टर है उसको फिर से ज़्यादा सीरियस होने के कारण तबियत, उनको ICU में भर्ती करने के बाद फिर से जब हम डिस्कस किए, डॉक्टर ने हमको बताया कि BP हाई होने के कारण स्ट्रोक आ गया, समथिंग बताया। बट मेरा ये कहना है कि अगर ये चीज़ें सब कुछ पहले क्यों नहीं की जाती है जो ऑपरेशन से पहले किए जाते हैं, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नहीं जम रहा हो तो हाई अधिकारी को बोलिए, उनको पूछिए, है ना। तो आप अगर जमता है तो करो, अदरवाइज रेफर कीजिए। BP है, फिर थायराइड हो गया है, ये सब आप पहले से बता देंगे पहले ये हो गया तो फिर पहले क्यों नहीं चेक किया गया? आप तो डॉक्टर हो, हम तो आम आदमी हो, हमको जो नहीं समझता आपको उतना समझता। मेरा ये कहना है कि इनको कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बाद में बताते हैं कि नहीं ऐसा हो गया वो पहले क्यों नहीं बताते? जब वो अंदर में गए थे तो डॉक्टर याद नहीं आ रहा उनका नाम, टेंगू ने भी साथ थे, उन्होंने भी बताया कि BP वगैरह हाई हो गया वो तो आप, और डॉक्टर राउंड पे आए थे। ये बात आपकी जब पेशेंट अंदर ICU में था तब हुई है? पहले आपको कुछ नहीं बताया कि पेशेंट सीरियस है या पेशेंट को कोई तकलीफ है, ऐसी कुछ भी जानकारी? पेशेंट को बता रहे कि कुछ सीरियस है, आप बाहर रुकिए, 10 मिनट के बाद 5 मिनट बाद आपको बताया जाएगा। बताने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं बोले कुछ बीमारी को, क्या उन्होंने फाइल चेक करना चालू कर दिया जब सीरियस हो रहे तब। मेरा ये कहना है कि जब आप पहले क्यों करते, बाद में क्यों करते, पहले क्यों नहीं करते? हर पेशेंट के साथ अगर ऐसा किया जाए तो बाद में क्या करते? मुद्दा ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं।
साकोली में घटी घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि फिर एक बार भंडारा में प्रसूति के लिए लाई गई महिला की सीजर ऑपरेशन करने के बाद जान चली गई। परिजनों ने बताया कि अच्छी खासी स्वस्थ महिला का ऑपरेशन हुआ था, बच्चा भी सुरक्षित और माँ भी सुरक्षित थी, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही घंटों के भीतर ही ऐसा क्या हुआ महिला के साथ कि उसकी जान पर बनाई। आखिर प्रसूति के बाद अपने स्वास्थ्य से हार गई महिला, ऐसा क्या हुआ महिला के साथ जो सारे रिपोर्ट में अच्छी खासी होने के बाद एकाएक की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद कुछ ही घंटों में उसका देहांत हो जाता है। एक दुख का बड़ा पहाड़ परिजनों पर गिर पड़ा है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाए। एक तरफ बच्चे की किलकारी से परिवार में खुशी की लहर छा गई थी, वही कुछ ही घंटों में उसी परिवार में मातम छा गया। परिजनों को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर महिला की मृत्यु किस कारण हुई है जिस कारण उस परिवार में मातम छा गया है। सर नाम नाव सागर अविना साधारण टेम्बोर ने काय नेमकी घटना काय झाली कसा प्रमाणे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे? काल ऍडमिट केलेलं होतं, हां मुलगी झाली आणि सगळं काही व्यवस्थित होतं। सकाळी 6 वाजता आयसीयू मध्ये टाकलं आणि 6 ते 9 दरम्यान हे काय घडलं ते पता नाही लागलं। काय तुमची काय मागणी आहे, काय तुम्हाला काय वाटतं कसा बद्दल दगलो असेल, काय झालं, कोणाची चुकी असेल त्याच्यामध्ये? होऊ शकते डॉक्टर साहेबांची काही चुकी असेल त्यांच्यामध्ये की त्यांच्या सगळं जे काही व्हायला पाहिजे होतं, त्रास जर जास्त व्हायला पाहिजे होतं तर ते ऑपरेशनच्या पहिले त्रास होतात ना, किंवा ऑपरेशन नंतर पण काही वेळ पुरतं असते, पण ते दुसऱ्या दिवशीच सकाळी झालं, त्यावरती सहानिशा चौकशी व्हायला होणे आवश्यक आहे। आपल्यावरती झालं हा दुसऱ्यावरती व्हायला नाही पाहिजे। तुम्हाला कोणते डॉक्टर होते त्याच्या माहित आहे का सध्या? त्याच्यामध्ये कोणी ऑपरेशन केलं का केलं? काय नाव आहे ते मृतकाचं? काय नाव आहे त्याचं? आशा आकाश वासने। किती वर्षाची होती त्यांची? 29। आणि पहिला मुल होता का त्यांचा? पहिली मुलगी झाली होती। बाळच्या बरोबर आहे? व्यवस्थित। आपको बता दें कि भंडारा जिले में 30 जुलाई 2023 रविवार को रात्रि 1 बजे प्रसूति के लिए आशा वासनिक नामक महिला भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, जिसका सुबह 10:30 बजे के दरमियान लेबर पेन बढ़ने के कारण ऑपरेशन किया गया और 11:20 पर शिशु ने जन्म लिया और दोनों की तबीयत अच्छी थी, लेकिन 31 जुलाई 2023 को सुबह 7 बजे के दरमियान अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे महिला को सांस लेने में परेशानी होने लगी और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया और महिला का ब्लड शुगर कम हो गया था और उसकी अन्य तकलीफें भी बढ़ने लगी। तत्पश्चात डॉक्टर गेडाम ने उसकी जांच की, लेकिन महिला की प्रकृति अधिक बिगड़ने से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और 11 बजे के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्वस्थ महिला की अचानक मृत्यु हो गई। डॉक्टर ACS डॉक्टर टेम्बुर्ने ने बताया कि इस घटना की जांच की जाएगी और एक समिति भी गठित की जाएगी। इस घटना में दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्टर अतुल कुमार अभिमन जी टेम्बोर है। सर आपके एक वासनिक करके पेशेंट और डिलीवरी पेशेंट उसकी भी साकोली में घटना हुई, उस टाइप आज परिजनों ने बताया कि उसकी भी डेट हुई, क्या नेम की उसका उपचार था, कितने बजे ऑपरेशन हुआ था और क्या घटना हुई? आशा आकाश वासनिक 29 वर्ष के लिए राहणार गोपेवाडा, दिनांक 7/30/2023 रोजी सकाळी 1:04 आपल्या इथं इमर्जन्सीमध्ये 9 मंथ्स ANC विथ लेबर पेन विथ सिपॅलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन या डायग्नोसिसने ॲडमिट झाली। तिचं सीजर दिनांक 30/7/23 रोजी 10:48 सकाळी झालं आणि तिला 11:20 बेबी आउट झाला। त्याच्यानंतर मदर आणि बेबी दोन्ही व्यवस्थितच होते। आज सकाळी म्हणजे 31/7/2023 रोजी सकाळी अराउंड 7:07 तिला अल्टर्ड सेन्सोरियम इरिटॅबिलिटी डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग अँड म्हणून ती प्रेझेंट व्हायला लागली, कंप्लेंट करायला लागली की अल्टर्ड सेन्सोरियम इरिटॅबिलिटी अँड डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास, असा तिला त्रास व्हायला लागला। सकाळी 7 वाजता तिला मग आपण आयसीयूमध्ये शिफ्ट केलं, त्यावेळेस तिचं ब्लड शुगर कमी झालेलं होतं, सॅच्युरेशन कमी होतं आणि ECG-मध्ये सायनस टॅकिकार्डिया म्हणजे हार्ट रेट वाढलेला होता। तर त्यावेळेस मग आपल्या फिजिशियन डॉक्टर गेडाम यांनी तिला इंट्युबेट केलं
आणि पेशंट व्हेंटिलेटरवर होती आणि प्री ऑपरेटिव्हली तिला हायपोथायरॉइडिझम आणि प्रेग्नन्सी इंड्यूस्ड हायपरटेन्शन हे दोन डायग्नोसिस अगोदरच होते. म्हणजे शी प्रेझेंटेड विथ प्रायमरी विथ 9 मंथ्स अम्युरिया विथ लेबर पेन विथ सिफॅलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन विथ हायपोथायरॉइडिझम अँड प्रेग्नन्सी इंड्यूस्ड हायपरटेन्शन एवढं होतं. पण इमर्जन्सी असल्यामुळे आपल्याकडं सिझर झालं आणि सिझरमध्ये तिला पोस्ट सिझर ती व्यवस्थितच होती पण सकाळी 7 वाजता रेस्पिरेटरी फेल्युअर आणि अल्टर्ड सेन्सोरी म्हणून प्रेझेंट झाली. फिजिशियननी इंट्युबेट केलं आणि आज दिनांक 31 वाजता अराउंड 11:30 शी सकम टू डेथ आफ्टर ऑल रिवायविंग एफर्ट्स. भंडारा जिला अस्पताल में अवैध पैसा वसूली. परिजनों ने लगाए आरोप. वार्ड बॉय नर्स सीजर मरीजों से कर रहे 1000 रुपयों की मांग. प्रसव होने के बाद बच्चा और मां को पैसे लेने के बाद ही लगाते हाथ. गांव की बुजुर्ग महिला से भी वसूला 700 रुपए. क्या होगी इन नर्स वार्ड बॉय पर कार्रवाई? बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने इसके पहले भी किया था ऐसा बड़ा खुलासा. आखिर क्यों लिए जाते हैं मरीजों के परिजनों से पैसे? क्या सरकारी अस्पताल का नया नियम तो लागू नहीं? भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में खुले आम मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं. इस खबर से अस्पताल में सनसनी मच गई. आपको बता दें कि भंडारा में प्रसव करने के लिए आई महिलाओं को प्रसव के बाद मरीजों के परिजनों से कपड़े बदलने से लेकर साफ सफाई तक के 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं. ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना भंडारा सामान्य अस्पताल में घटी, जिसकी जानकारी बेस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम को दी गई, ताकि ऐसे अवैध पैसा वसूलने वाले गरीबों से पैसा लूटने वाले अस्पताल के वार्ड बॉय, नर्स एवं अन्य संबंधितों पर कार्रवाई की जाए. आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना. 25 जुलाई 2023 को राकेश देवचंद थोटे ने अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया, जिसका 27 जुलाई को प्रसव हुआ था. उसके बाद मौजूद कर्मचारियों ने नवजात बच्चा पोंछने के 200 रुपए, कपड़े पहनाने के 500 रुपए, ऐसी अवैध वसूली प्रसूति गृह में की जा रही है. परिजनों का कहना है कि जिला सामान्य अस्पताल में किस बात का पैसा लेते हैं? क्या बड़े अधिकारी और कर्मचारियों को जानकारी नहीं? अगर है तो वे क्यों अनदेखा कर रहे हैं? आखिर वहाँ की काकी किस बात का पैसा वसूल करते हैं? राकेश थोटे ने अपने बच्चे को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए 700 से 1000 रुपए दिए. राकेश ने बताया कि एक बुजुर्ग गरीब महिला से भी 700 रुपए लिए और उसके पास सिर्फ 700 रुपए थे. पैसे देने के बाद उस बुजुर्ग महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया. आखिर इस घटना से अस्पताल शर्मसार हो गया है. इस घटना की उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए, ताकि आम लोगों से अवैध वसूली थमनी चाहिए और अस्पताल में आए मरीजों एवं परिजनों को न्याय मिलना चाहिए. क्या है हॉस्पिटल में, आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में पैसा लिया जा रहा है? हाँ, पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि हमने 25 तारीख को मेरी मिसेज को भर्ती किए थे. कौन से हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, भंडारा के. भंडारा, हाँ. तो वहाँ पे 27 तारीख को सीजर हुआ हमारे यहाँ का. हाँ. तो बच्चा, क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का किरण राकेश थोटे. हाँ. तो बच्चा वगैरह पोंछने के 200 रुपए दो. हाँ. का बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए 500 रुपए दो. हाँ. ऐसे पैसे मांगते वहाँ के स्टाफ के लोग, जबकि पैसा तो लगना नहीं चाहिए 1 भी रुपए. बराबर.
तब भी पैसे मांगते नहीं तो हम नहीं करेंगे, तुम करते बैठो, ऐसे उल्टा बोलते वहाँ के लोग। अच्छा अच्छा, यानी आपने किसी को पैसे दिए है? हाँ पैसा दिए है ना वहाँ पे बच्चे को, किसको दिए? वहाँ का जो स्टाफ है वो काकी वगैरह जो बोलते हैं। लेडीज थी? हाँ लेडीज, लेडीज को। कौन से तारीख को दिए? 27 तारीख को। 27 तारीख, कितने बजे की बात है ये? सुबह 11:30-11 बजे की बात। तो वहाँ क्या डिलीवरी होती तो सबसे पैसे लिए जाते? सबसे पैसे लेते हैं। अच्छा, 202 नहीं तो हम कपड़े नहीं पहनाएंगे, बच्चे को पोछ के नहीं देंगे, तू मत करो ऐसे बोलते। अच्छा ऐसा। तो आपसे कितने रुपए लिए गए फिर? मेरे से अभी 900,000 रुपए लिए गए। 900,000 रुपए लिए गए, फिर क्या किए गए उन्होंने पैसे? फिर बच्चों को बराबर उन्होंने? हाँ पैसे दो तो हम बराबर करेंगे, नहीं तो तुम्हारा बच्चा तुम देखते बैठो ऐसे। ऐसा ऐसा, जबकि उनको सब चीज़ों का पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है, फिर भी गरीब लोगों को पैसे मांगते हैं। अच्छा, अगर मैं पैसे नहीं दे रहे थे तो आपके बच्चों का फिर वो कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं करते। मैं बच्चा हो गया, डिलीवरी जो महिला है उनका कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर, क्योंकि हमारे जैसे और गरीब लोग हैं जो आते हैं बाहर से। मैंने अपने आंखों से देखा, एक बूढ़ी सी औरत थी आई थी बेचारी। हाँ। उसके पास 700 रुपए थे। हाँ। तो उसकी डिलीवरी हुई थी उसकी बहू की। हाँ। तो पैसे दे उसको, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हाँ। वो बोल भी रही थी बेचारी कि मेरे पास 700 रुपए है, मेरे को आना जाना करना पड़ता है। हाँ। फिर भी वो लोग दो नहीं तो हम नहीं करेंगे, बेचारी ने वो कैसे रोते रोते उसको पैसे दे दिए। पैसे भी लोग है वहाँ पे। अच्छा, यानी वहाँ पर सिर्फ लूट मारी हो रही है? लूट मारी हो रही है। इसकी क्या आपने कंप्लेंट वम्प्लेंट की है? कंप्लेंट की है ना वो सीएस सर के पास, टेम्बूरने सर के पास। कब की है कंप्लेंट? आज की है। आज की है। तो क्या बोला उन्होंने? अभी रिप्लाई तो आया नहीं कुछ, लेकिन आपको कुछ बताया कि कंप्लेंट की कार्रवाई होगी या कुछ ऐसा? कुछ बताया नहीं, वो लिखित में दिए उनको दिए। सीजर वार्ड में एडमिट थे जब लड़की हुई 11:24 को। इन्होंने सर पैसे लिए हमसे, सीजर वार्ड वालों ने पैसे लिए, स्टाफ ने पैसा खाया है। कितने कितने पैसे किसने लिए, कोई नाम मालूम है उनके? नहीं सर, नाम कुछ नहीं बता, स्टाफ वालों थे। हाँ, कितने कितने पैसे लिए? 1000 रुपए कुछ दिए है। हाँ, 200-400 जो भी है उनका। हाँ, स्टाफ में कौन था? नर्स थी के कौन था जिसने पैसे लिए? नर्स थी, वार्ड बॉय वगैरह थे। हाँ, उनका सीजर वार्ड में जहाँ डिलीवरी हुई वहाँ पर। हाँ, डिलीवरी वहाँ पर 1000 रुपए लिया गया। हाँ। अच्छा, 1000 रुपए लिया गया। तुमसर तहसील युवक कांग्रेस की ओर से रविवार शाम को गोबरवाही पुलिस के थानेदार को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक व प्रमुख संभाजी भिड़े उर्फ भिड़े गुरुजी आए दिन राष्ट्रपुरुष और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज आदि के प्रति अपमानजनक वक्तव्य दे रहे हैं। इनके कारण समाज में, देश व विविध समुदाय में आक्रोश है, जिसका परिणाम हिंसा में हो सकता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भिड़े गुरुजी पर कानून के अनुसार उचित मुकदमा दर्ज किया जाए। कांग्रेस की ओर से दिए गए प्रतिवेदन का नेतृत्व जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल, पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गिडाम, पूर्व जिला परिषद सदस्य रमेश आरामे, तुमसर तहसील युवक कांग्रेस के महासचिव सावन खोबरागड़े ने किया है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता संजेंद्र लांजेवार, मोबीज शेख, अंकित भूतांगे, ईश्वर रामटेके, देवेंद्र डहाट, निकेश निनावे, दिलीप शाहरे, विक्की उके, सलमान शेख, कुशल नागपुरे और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रेत लदे ट्रैक्टर पर पालांदुर पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 1,75,000 रुपयों का माल जब्त किया है। घटना पालांदुर पुलिस थाने के तहत कवर्सी परिसर में सामने आई है। इसे लेकर पुलिस ने ट्रैक्टर के मालक मनोज काशीनाथ मालडोंगरी उम्र 34 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काशीनाथ के ट्रैक्टर में एक ब्रास रेत लदी थी। पुलिस ने जब खड़े ट्रैक्टर के पास जाकर चालक को ढूंढा तो कोई नहीं मिला, पर पुलिस ने जब दस्तावेजों के आधार पर पता किया तो पता चला कि यह ट्रैक्टर मनोज मालडोंगरी का है। इसे लेकर पालांदुर पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर मालिक पर धारा 379, धारा 50, 177 मुआका के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस हवलदार भोयर कर रहे हैं। गांव के पास खेत परिसर में अवैध जुआ अड्डा चलाने की गुप्त जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापा मारा। इस समय 5 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्रवाई रविवार 30 जुलाई को पालांदुर तहसील के पीपल गांव कोहली खेत परिसर में की गई। लाखांदुर पुलिस ने पीपल गांव कोहली निवासी धनंजय टीकाराम नाकाड़े उम्र 40 वर्ष, दुर्गेश कुशन परशुराम कर उम्र 30 वर्ष, गुरुदेव महादेव चिचानी उम्र 32 वर्ष, त्र्यंबक भिकाजी गायकवाड़ उम्र 30 वर्ष व चोपराम गोविंदा नाकाड़े उम्र 35 वर्ष आदि के खिलाफ
खिलाफ लाखांदूर पुलिस में अपराध दर्ज किया है। पीपलगांव कोली गांव के पास खेत परिसर में अवैध जुआडा चलाने की गुप्त जानकारी लाखांदूर पुलिस को मिली। गुप्त जानकारी पर लाखांदूर के थानेदार विलास मुंडे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक अनिल मांदड़े, पुलिस हवालदार संतोष चौहान, पुलिस नायक सुभाष शाहरे, पुलिस अमलदार राहुल गायदने समेत अन्य पुलिस कर्मचारियों ने घटनास्थल पर छापा मारकर पांच आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। इसी दौरान लाखांदूर पुलिस ने आरोपियों के पास से 3,080 रुपयों का माल जब्त करके आरोपियों के खिलाफ लाखांदूर पुलिस में अपराध दर्ज किया है। इस घटना के आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अनिल मांदाड़े कर रहे हैं। भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी शहरातील प्रभाग क्रमांक 17 येथील अक्षय निर्वाल यांच्या घरी तब्बल 8 फूट लांबीचा अजगर साप आढळून आल्याचा प्रकार मध्यरात्रीच्या सुमारास घडला असून याची माहिती सर्पमित्र पंकज भिवगडे यांना देण्यात आली। त्यांनी कशाचाही विलंब न करता त्या अजगर सापाला मोठ्या शिफातीने पकडून लाखनी वन विभागाच्या मार्गदर्शनात निसर्गाच्या सानिध्यात सोडून जीवनदान दिले आहे। लाखनी तालुक्यातील पालांदूर परिसरात सुलबंद नदी पात्राचे वरदान लाभलेले असून या नदीतील पांढरशुभ्र रेतीची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे। तसेच या परिसरात अवैध उत्खनन सुरू असून अवैध रेतीची वाहतूक सरारपणे सुरू असून कारवाई मात्र पाहिजे त्या प्रमाणात केली जात नसल्याने रेती तस्करास पोलिसांचे पाठबळ तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत असून नागरिकात दबक्या आवाजात बोलले जात आहे। अशातच पोलीस सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार अवैध रेतीचा उपसा करून विनापरवाना रेतीची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर कारवाई केल्याची घटना लाखनी तालुक्यातील कवळसी येथे घडलेली आहे। दरम्यान पालांदूर पोलीस गस्तीवर असताना एक लाल रंगाचा ट्रॅक्टर व ट्रॉली क्रमांक MH36L0449 रेतीची वाहतूक करताना आढळून आला। त्याला पोलिसांनी थांबवून रॉयल्टीची मागणी केली असता दिसून न आल्याने कारवाई करत एक ब्रास रेती किंमत 5,000 रुपये, ट्रॅक्टर व ट्रॉलीची किंमत 1,70,000 रुपये असा एकूण 1,75,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करीत पालांदूर पोलीस स्टेशन येथे ट्रॅक्टर चालक व मालक मनोज माळडोंगरे यांच्या विरुद्ध अपराध क्रमांक 97/2023 अनुसार विविध कलमांवे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली। पुढील तपास भोयर करीत आहेत। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पौनी से भंडारा की ओर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में यह दुर्घटना हुई। सौभाग्य से कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन कार में सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक बड़ा हादसा टल गया। कारधा पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। पालांदूर पुलिस ने बिना लाइसेंस रेत परिवहन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। जब पालांदूर पुलिस गश्त कर रही थी तभी ट्रैक्टर क्रमांक MH36L0450 रेत परिवहन करते पाया गया। पालांदूर पुलिस ने ट्रैक्टर व एक ब्रास रेत समेत 1,75,000 कीमत का माल जब्त किया। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ भंडारा पुलिस ने कार्रवाई की है। पाले पेंढरी निवासी दीपक रामदास शिवनकर, श्रीरामनगर तकियावाड़ भंडारा निवासी भाऊराव वासुदेव ढूमने, इन पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेत में काम कर रही एक महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। मृतक महिला का नाम निष्ठी निवासी ध्रुपता वासुदेव मेश्राम, उम्र 60 वर्ष है। ध्रुपता अपने खेत में काम कर रही थी तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसे इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल पौनी ले जाया गया। वहां चिकित्सा पदाधिकारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। वृद्ध व्यक्ति ने जंगल में देवदार के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना उसगांव चांदोरी में हुई। मृतक का नाम रमेश शिवराम राउत, उम्र 63 वर्ष है। माना जा रहा है कि बीमारी से ग्रसित होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना में लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक 80 वर्षीय व्यक्ति घर के चारपाई पर मृतक पाया गया। घटना पौनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोनारा की है। मृतक रामदास मेश्राम, उम्र 80 वर्ष है। 29 जुलाई को रामदास का शव चारपाई पर पड़ा दिखाई दिया। सरस्वता मेश्राम, उम्र 70 वर्ष की शिकायत पर पौनी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया।
जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब और जुआ अड्डों पर पुलिस ने छापे मारे। इनमें 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा अवैध महुआ शराब और जुए में प्रयुक्त सामग्री समेत 10,195 रुपए का माल बरामद किया गया। यह कार्रवाई भंडारा, दिघोरी, कारदा, तुमसर, गोबरवाही और साकोली थाना क्षेत्र में की गई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।